गुड मॉर्निंग एवरी वन अगेन आई वेलकम व्यू वेलकम यू इन माई चैनल माई नेम इज़ प्रिय त्रिपाठी टुडे वी हैव द न्यू टॉपिक इट्स द नेम ऑफ द टॉपिक इज टू टू पॉइंट टू अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स ठीक है सी टर्टल्स की स्टोरी है ये इसमें हम पूरा टर्टल्स का लाइफ स्टाइल देखेंगे टर्टल्स को कैसे बचाया गया टर्टल्स से पहले क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया टर्टल्स ने उसके बारे में हम लोग उसमें देखेंगे ठीक है बिफोर मूविंग टू द स्टोरी विल सी वार्मिंग एक्टिविटीज वी हैव समथिंग ऑब्जर्व द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स वॉट इज़ कॉमन एमंग ऑल दिज एनिमल्स आपको ये सारे फोटोग्राफ दिख रहे हैं इन सब में आपको कॉमन क्या लग रहा है वो हमको देखना है दे आर ऑल एंड डेंजर्ड स्पीशियस ये सारे क्या हैं इन सब की लाइफ क्या है डेंजर डेंजर जोन में है धीरे धीरे ये विलुप्त तो जाती है मतलब गायब हो जाएंगी इनकी लाइफ खतरे में ठीक है दे आर लाइकली टू डाई आउट कंप्लीटली धीरे धीरे मरने वाले हैं गायब हो जाएंगे इसलिए आप बोला गया एनडेंजर्ड स्पीशियज ओके वन ऑफ द रीजन्स बींग ह्यूमन एक्टिविटी इन दियर हैबिटेड इफ़ दीज एनिमल्स कूड थिंक एंड स्पीक लाइक ह्यूम वट वुड जैसे यहाँ बो यहाँ ऐसा बोला गया है डायरेक्टर ने बोला है अगर ये एनिमल्स ह्यूमन के जैसे बात कर सके तो ये लोग भी अपनी आपीती बताते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी बताते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ हुआ हमने ये चीज़ फेस किया बट एज दे कान स्पीक लाइक अ ह्यूमन बींग सो दे के नॉट शेयर देअर वॉट एवर प्रॉब्लम दे है फेस ओके सो so, इनके ही बारे में आपको लिखना है आपको अपनी इनकी ऑटो ऑटोबायोग्राफी आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इनके हेल्प से आप इनकी ऑटोबायोग्राफी लिख लिखना है ठीक है दिस इज सेल्फ एक्टिविटी फॉर्म ऑफ ग्रुप्स ऑफ आई टू टूर प्रिपेयर शॉर्ट आईव ऑटो बायो बायोग्राफिकल स्पीचेज फॉर ईच ऑफ दीज एनिमल्स टेन टू फिफ्टीन लाइन्स ये जितने भी आप पे एनिमल्स दिए हैं इन पर आपको टेन टू फिफ्टीन लाइन्स में आपको स्पीच देना है लिखना है इनकी इनकी लाइफ खतरे में कैसे ये लोग क्या क्या चीज़ फेस कर रहे हैं ठीक है ठीके? ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो हाउ द एनिमल्स लिव्स ये सारे एनिमल्स कैसे रहते हैं इट्स द ओनली वे ही शी कैन वो कैसे जीते कैसे उनका लाइफ स्टाइल क्या है वो कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते वो आपको लिखना है हाउ द इंट्रैक्ट विद नेचर एंड अदर एनिमल्स अभी यहाँ पे दिया है आप अभी एनिमल्स है जो भी हैं एनिमल्स को अगर अपनी आप बीती बतानी है तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं ह्यूम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं एनिमल्स से एनिमल्स ह्यूम्स को अपनी आप बीती कैसे बताते हैं ठीक है नेक्स्ट है हाउ ह्यूमन्स इंटरेक्ट विद दैट स्पीशियज ह्यूम ये स्पीशियज से कैसे बात करते हैं कैसे वो लोग उनकी भाषा कैसे समझते हैं कैसे वो लोग बात करते हैं वेदर इट इज़ फेयर नेसेसरी और डिजायरेबल एट्सट्रा जो ह्यूमन जो बात करते हैं एनिमल्स से उनसे जो बिहेव करते हैं क्या उनका वो बिहेवियर डिज़ायर है वो एनिमल्स को अच्छा लगता है क्या उनका बात करने का तरीका फेयर है क्या वो द एनिमल्स गेटिंग रेडी टू बिड फेयरवेल टू दिस वर्ल्ड एनिमल्स भी अब अब खुद को क्या पहचान बना रहे खुद को रेडी हो रही है लाइफ में ये वर्ल्ड में रहने के लिए खुद को लोग केपेबल कर रहे हैं राइट सेकेंड क्वेश्चन है ये आपको बींग ह्यूमन आप एनिमल्स से कैसे बिहेव करते हो ये आपको लिखना है ठीक है ग्रुप में ग्रुप ऑफ फोर और फाइव में नेक्स्ट वी हैव होल्ड योर क्लास रूम डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड लेट ऑन एक्सप्लेन द थीम्स ऑन योर ओन टेन टू फिफ्टीन लाइन्स आपको एक डिस्कशन करना है क्लास रूम डिस्कशन करना है एक थीम सेट करना है वो आपको टेन टू फिफ्टीन लाइन में आपको वो सेट करना है लिखना है ठीक है डिस्कस करना है वाई ह्यूमन बींग ये फॉलोइंग पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं वाई ह्यूमन बींग्स नीड टू यूज मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज क्यों लगते हैं ये आपको डिस्कस करना है ठीक है नेक्स्ट है शुड वी कंजर्व ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन नेचर क्या हमको नेचर की जो सबसे सुंदर चीज़ है वही हमको कंजर्व करना चाहिए उसको ही बचाना चाहिए बाकी जो हमको अच्छा नहीं लगता है नेचर का उसको हम लोग क्या छोड़ देंगे ऐसे ही स्पॉयल होने के लिए डिस्ट्रॉय होने के लिए नहीं हमको नेचर की हर चीज़ को बचाना है ठीक है तो ये भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे बुक से आप हेल्प ले सकते हो बुक में आपके पॉइंट्स दिए गए हैं उनसे हेल्प से आप कर सकते हो ठीक है वॉट इज़ ब्यूटीफुल और यूज़फुल हुज़ द राइट टू डिसाइड दैट क्या ब्यूटीफुल है क्या सुंदर है और क्या यूज़फुल है क्या हमारे काम में आने वाला है वो डिसाइड करने का हक किस को है कौन डिसाइड कर सकता है कि ये चीज़ अच्छी है इसको रहना चाहिए इसको नहीं रहना चाहिए ठीक है तो ये भी आपका डिस्कशन नेचुरल डिस्कशन करना है इसके पॉइंट्स आपको दिए गए इनकी हेल्प से आप कर सकते हो ठीक है आपके बुक्स में इसके पॉइंट्स दिए गए हैं तो मैं आपको मैं लास्ट में बता दूंगी आपको कहाँ से लिखना है वो तो आप इसके वो पॉइंट्स के लेके अपना खुद का पॉइंट्स एडअप करके आप ये ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट वी हैव आर लेसन बिगिंस फ्रॉम हेयर इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स टर्टल्स ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया वो हम लोग इसमें देखने वाले सो आई जस्ट रीड आउट द नेम ऑफ लेसन अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स टर्टल्स मतलब Like so, तो टोटवाइज के जैसे रहते हैं कछुआ बोलते हैं ये समुद्री कछुआ रहता है केचुआ ही बोलते हैं राइट समुद्र में रहते हैं ठीक इट जस्ट लाइक ए टोटोइज इट्स कॉल्ड एज टर्टल्स ओके समुद्री कछुआ ओके सी मतलब समुद्र तो उसकी स्टोरी है ये वी वर सर्विंग द वाइट बेलिड सी ईगल्स इन द समर दैट ईयर एज वी रोम द कोस्ट वन ऑफ द वॉल्टियर्स इन आवर टीम सॉ पिट्स आई जस्ट अंडरलैंड वर्ड टेल यू द मीनिंग ऑल टूगेदिट्स विथ वाइट एग शेल्स नियर बाय हम लोग एक बार कहीं पर घूमने गए थे सर्वे करने गए थे कहीं पर हम लोग सर्वे करने गए थे मतलब पता करने गए थे कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे है तो हमने क्या देखा वाइट बैलड एग सी ईगल्स हमने एक अंडे देखे ठीक है वाइट बेलड सी ईगल्स इन दैट समर डेट इयर हमने वहाँ पे ऐसा कुछ देखा वाइट बैलेट कर ऐसे एक देखा हमने कुछ हमको अंडे ऐसा कुछ दिखा एज वी रोमड द कोस्ट जैसे ही हम लोग वो पानी के पास वो नदी के पास कोस्ट के पास गए सी के पास में गए वन ऑफ द वॉल्टियर्स इन आर टीम सॉ सम शैलो पिट्स हमारे ही टीम के एक वॉलेंटियर ने जो उसका जो जो कार्यकर्ता लोग थे जो लोग सर्वे करने गए थे उन लोगों ने क्या देखा शैलो में ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा मतलब स्मॉल होल ज़्यादा बड़ा नहीं ठीक है ज्यादा डीप नहीं मतलब नॉर्मल होल ठीक है शैलो पिट्स विद वाइट एग शेल्स नियर बाय जैसे हम लोग उसके पास में गए हमारे वॉलंटियर ने एक गड्ढा देखा छोटा गड्ढा था शैलो पिट था उसके अंदर उसको वाइट कलर के एग दिखाई दिए वाइट अंडे दिखाई दिए ठीक है इंक्वायरीज विद द विलेजर्स विजर्स रिविल दे वर टोटल एग्स जब उन लोगों ने इंक्वायरीज की उन लोगों ने क्या किया पूछताछ किया तो उनको मालूम पड़ा विलेजर्स से पे पूछा तो उन लोगों को मालूम पड़ा वॉल्टियर्स को कि वो सारे तो एक्स थे वो सारे अंडे थे ठीक किस है किसने बताया विलेजर्स ने बताया कि वर टर्टल एग्स वो सारे टर्टल के एक्स थे ठीक है कछुआ समुद्री कछुए के एक्स थे वो ठीक है दिस केम एज अ सरप्राइज ये उन लोग को सरप्राइज लगा उन लोग बहुत शॉक्ड हो गए ठीक है वी नेवर कम अक्रॉस टर्टल एग्स इन आर वॉक्स अलॉन्ग द बीच ऑफ कौनकन इन ऑल दीज ईयर्स हम लोग ने कभी ऐसा देखा नहीं टोटल एक टोटल के एग्स आज तक हमने कभी फेस नहीं किया कभी हमने देखा नहीं बीचेस के यहाँ पे कौन से बीचेस के यहाँ पे कौन कौन के यहाँ पे हमने कभी इतने साल में हमने कभी टोटल के एग्स नहीं देखी फिर आज हमको देखने के लिए कैसे मिल रहे हैं वॉल्टियर्स को ऐसा वॉल्टियर्स ने ऐसा सोचा ठीक है कोंकंस एंड आन ओके टोटल एग्स देखे थे उन लोगों ने नेक्स्ट वी डिसाइडेड टू स्टडी दिस अनयूजअल अक्रेंस फॉरदर और जब हमको ये चीज़ फेस किया है जब हमारे सामने चीज़ दिख गई है हमने टोटल्स का एग हमने देख लिया है तो हमने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू डू द स्टडी अबाउट द टोटल एक्स हम टोटल के एग्स के बारे में स्टडी करेंगे इनके बारे में पूरा हम लोग जानकारी निकालेंगे ओके अनयूजल मीन्स जो मतलब कभी कभी अचानक में हो गई एक्टिविटीज के अक्रेंस हो जाना तो उसके बारे में हम लोग आगे जानना चाहेंगे ऐसे उन लोगों ने बोला ठीक है बीच वी है एग्स शेल्स है पब्लिक फॉर नियरली वन मंथ हमको मालूम पड़ा कि जिस बीच पे हम लोग को वो अंडे मिले थे टोटल के एग्स मिले थे एग मीन्स टोटल एग्स ठीक है जिस बीच पे हमको एग मिले थे उनको सील किया गया था उनको सील किया सील कर आपको मालूम है कोई ढक्कन को बंद करते आगे खुल खोल ना सके वैसे वो बीच को सील कर दिया गया था पूरी तरह से बंद किया था ताकि वहाँ पे कोई पासवन, पा, पास ऑन पास बैना कर से कोई आ जा ना सके क्यों क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक थी वहाँ पे एक बार पकड़ा गया था सिल्वर की स्मगलिंग करते हुए ठीक है सेल टू तो द पब्लिक फॉर नियरली वन मंथ एक महीने तक उसको सील किया गया था ठीक है जिस बीच का मतलब पता करने वाले थे एक्स वहाँ पे मिल रहे हैं वो बीच को क्या किया था एक महीने तक सील किया था कोंकण बीच ओके ड्यू टू पब्लिक फॉर नियरली वन मंथ आफ्टर पीपल स्मगलिंग स्मगलिंग मीन्स किसी का सामान यहाँ से वहाँ करना गलत काम करना ओके okay? स्मगलिंग का मतलब आपको मालूम रहेगा किसकी स्मगलिंग करते थे सिल्वर ब्रिक्स वहाँ पे ऐसा मालूम पड़ा कि ये बीच पे लोग सिल्वर ब्रिक्स की ईटे की सिल्वर ईटे की स्मगलिंग कर रहे हैं तो वो पता होने के बाद उन लोगों ने क्या किया बीच को सील कर दिया यहाँ पे कोई आ जा ना सके ठीक है ब्रिक्स वर कॉट कैच का पास टेंस है कॉट ठीक है पकड़ लिया इन दैट एरिया उस एरिया में स्मगलिंग करते पकड़ लिया सिल्वर ब्रिक की स्मगलिंग करते पकड़ा बट वॉट वी लर्न फॉर द शॉक रस टू द कोर कोर मीन्स डीप इन साइड हमको जब आगे मालूम पड़ा आगे जब हमको कुछ और चीजें मालूम पड़ी उसने हमको एकदम अंदर तक झकझोर के रख दिया अंदर तक मतलब बहुत बुरी तरह हमको बुरा लगा अंदर अंदर से हम एकदम हिल गए ठीक है कोर मीन डीप इनसाइड अंदर अंदर से बुरा फील करना ठीक है जब हमको आगे और चीजें मालूम पड़ी जब हम लोग को बहुत डीप इनसाइड हम लोग बहुत बैड फील किया हमने ठीक है अभी आगे देखेंगे क्या हुआ टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ आवर स्टेट हमको मालूम पड़ा कि इतने सालों तक पूरे पूरी कोस्ट लाइन पे पूरे नदी के तट पे टर्टल्स के ही नेस्ट थे सब जगह टर्टल के नेस्ट थे ये हमको आगे जाके मालूम पड़ा जो हम लोग को अभी तक मालूम नहीं था ठीक है हमारे महाराष्ट्र स्टेट की पूरी नदी के तट तक कोस्ट लाइन तक पूरे टर्टल के नेस्ट हमको देखने मिलने वाले थे ओके देर आर अ फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कॉम्बिंग द बीच इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग कॉम्बिंग भी न्यू वर्ड है यहाँ पे कॉम्बिंग का मतलब है सर्चिंग कुछ चीज़ का ढूंढना कुछ चीज़ फाइंड आउट करना सर्चिंग या फाइंड आउट अन वर्ड ये मैं खुद के वर्ड में लिख रही हूँ कुछ ढूंढना ठीक है तो वहाँ के कुछ लोगों ने क्या किया वो लोग हमेशा सुबह आते थे किसी न किसी बहाने से और वहाँ पे कोस्ट लाइन पे नदी के तट पे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते थे गाँव के लोग विलेजर्स लोग ठीक है थ्रू आउट द ईयर पूरे साल तक वो लोग चीज़ करते थे कुछ ना कुछ ढूंढते थे वेन द फीमेल टोटल कम्स ऑन शोर शोर मीन्स नदी के किनारे ठीक है ऑन शोर टू नेी लिवस बिहाइंड द ट्रेल ये भी न्यू वर्ड है जस्ट लाइक ए ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द स अभी जब फीमेल टोटल जब आती थी नदी के पास जब आती थी अप, नदी के पास आके अपने नेस्ट में जब आती थी अभी जब चिड़िया जब चिड़िया जब बच्चे रहती है कहाँ जाती है नेस्ट में जाती है राइट तो सिमिलरली जब फीमेल टर्टल को जब बच्चे देने होते थे एग्स देने होते थे वो कहाँ जाती थी नदी नदी के किनारे जो उसका नेस्ट था है नेस्ट बनाया था वहां जाती थी और जैसे वो एग्स देती थी अंडे देती थी शी लीव्स बिहाइंड अंडे देकर वो अपने पैरों के छाप पीछे छोड़ के जाती थी ठीक है ट्रेल्स मीन्स पैरों के छाप ट्रेल ठीक है आई एम राइट आई एम राइटिंग योर लेग्स तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग लिख रही हूँ पैरों के छाप छोड़ के जाती थी वो ठीक है चर्स लाइक ए ट्रैग कि उसको कोई भी फॉलो करके जाके उसके अंडे ले सकता था ठीक है ट्रेल जस्ट लाइक ए ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड टर्टल्स क्या करते हैं आपका पिक्चर दिख रहा है टर्टल्स क्या करते हैं उनको बच्चे देने होते हैं अंडे देने होते हैं क्या करते हैं जहाँ पे इनका जहां पे नदी के किनारे जो नेस्ट बनाते हैं वहां पे अंडा देते हैं मतलब मिट्टी के अंदर अपने बच्चे देते हैं अंडे देते हैं और बाद में पहले गड्ढा खोदेंगे अंडे देंगे अंडे देने के बाद वापस से अपने वापस जहाँ से आते हैं नदी के किनारे वहाँ पे चले जाते हैं और अंडे को उसी में गाड़ देते हैं ठीक है ठीके? तो इस जब ये लोग ये सारा चीज़ करते हैं इनको जो लोग देख लेते हैं वो लोग क्या करते हैं इनके पैरों के निशान से जाके पीछा करते हैं क्योंकि ट्रटल्स के जाने के पैर भी दिखते हैं आने के भी दिखते हैं तो वो पैरों के पैरों को फॉलो करते करते वो लोग उनके अंडे तक पहुँच जाते हैं गाँव वाले और क्या करते थे उनके बच्चों को निकाल के वो लोग मार देते थे या खा लेते थे ठीक है तो इसलिए लोग बचाने के लिए बच्चों को क्या करते हैं मिट्टी के अंदर अपने अंडे देते हैं सैंड के अंदर अंडे देते हैं ओके सैंड द एग हंटर्स अभी जो उनके बच्चों को मारते हैं वो कौन है एग हंटर्स ठीक है हंटर्स में शिकारी एग हंटर्स फॉलो दिस ट्रेल और एग हंटर्स क्या करते है? जब ये लोग बच्चे देखकर आते अंडे देखकर आते हैं मिट्टी में से मिट्टी में साढ़ में तो जो हंटर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं इनके पैरों को इनके ट्रेल को फॉलो करते होते पीछा करते करते वहाँ तक पहुंच जाते हैं ट्रेल राइट अप टू द नेस्ट कहाँ तक पीछा करते हैं उनके नेस्ट तक कहाँ पर उन्हें बच्चे दिए कहाँ पर उन्हें अंडे दिए विच इज अबाउट हाफ अ मीटर डीप जो कितना अंदर रहता है हाफ मीटर डीप अंदर इतना अंदर रहता है फिर भी वो लोग जो फॉलो करते हैं वो लोग क्या करते हैं ढूंढते ढूंढते उनके अंडे अंडों को निकाल देते हैं ओके दे डिग अप डिग मीन्स खड्डा करना ओके गड्ढा करना दे डिग अप द नेस्ट वो क्या करते हैं नेस्ट को गड्ढा करते हैं एंड स्टील स्टील मीन चुराना चोरी कर लेना ओके स्टील ऑल द हंड्रेड वन फिफ्टी एग्स दैट आर लेड इन साइड और क्या करते हैं जब ये लोग वापस आ जाते हैं अपने अंडे देख कर आ जाते हैं तो वो लोग पीछा करते करते ट्रे, ट्रेल को फॉलो करते करते वहां पहुंच जाते हैं नेस्ट तक और गड्ढा कर करके हाफ और मीटर गड्ढा करते हैं और उसमें से सौ से लेकर डेढ़ सौ तक अंडे निकाल लेते हैं लेड मीन्स देना ठीक है जो अंडे उन्होंने अंदर दिए हैं का पास टेंस हो गया लेड तो जो लोग अंडे अंदर जो देते हैं टर्टल वो निकाल लेते हैं ओके दीज एग्स आर देन आई द रिटिन और सोल्ड इन द मार्केट तो ये एग को क्या करते हैं या तो खा लेते हैं जो चुराते हैं वो लोग विलेजर्स लोग है तो खा लेते हैं या तो मार्केट में जाकर पैसों में बेच देते हैं कछुए का एग बहुत महंगा मिलता है ये आपको मालूम रहेगा तो मार्केट में बेच देंगे या तो खा लेते हैं ओके इफ अ टोटल इज स्पॉटेड स्पॉटेड मीन्स देखना किसी को स्पॉट करना फाइंड आउट मतलब नजर में आना ठीक है अगर स्पॉट अगर टर्टल को उनने स्पॉट कर लिया कभी वाइल इट इज स्टिल लेइंग एग्स अगर लोग देख लगे अभी टर्टल अंडे दे रही है अभी भी अंडे दे रही है ठीक है इट इज़ अलाउड तो लोग रुक जाते हैं इट इज अलाउड टू till टिल द is ओवर वो लोग रुके रहते हैं जब तक वो अंडे दे नहीं दे लोग रुके रहते हैं जैसे ही वो अंडा दे कर वहाँ से हटती है तुरंत वो लोग वो अंड, वो लोग या तो उसको मार देंगे टोटल को मार देंगे उसका अंडा चुरा लेंगे या तो उसको फिर वहाँ से हटा मा, देंगे कुछ भी अंडा चुराने के लोग कुछ भी करते हैं ओके टू लिव टिल द एग्ज इज ओवर एज सोन एज द एग्ज आर लेड जैसे अंडे दे देते हैं वो लोग ठीक है एज सुन एज कॉट जैसे वो लोग अंडे दे देते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं टर्टल्स को पकड़ लेते हैं पकड़ लेते हैं एंड ईट उनको क्या करते हैं पकड़ के मार के खा लेते हैं ठीक है टर्टल्स को गॉट इट जैसे विलेजेस ने दे देखा एक टोटल अंडा दे रही है तो लोग रुकते हैं अंडे देने तक बट जैसे उन्होंने देखा कि उसका अंडा देकर हो गया है तो उसको क्या करेंगे चुपके से पकड़ के मार के खा लेंगे या तो मार्केट में भी बेच देतेन्स इंसानियत नहीं रहती है मींस इन ह्यूमैनिटी राइट सो आई राइट इन ह्यूमैनिटी इन ह्यूमैनिटी ओके जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती उसे बोलते इन ह्यूमैनिटी तो ये जो ह्यूमैनिटी है इंसानियत के खिलाफ जो ये चीज क्या हो रही है हर जगह देखी, देखी जा रही है अपने दुनिया में सब जगह देखी जा रही है आपने बहुत जगह देखा देखा जानवर को मार के खाया जा रहा है विच इज़ वेरी बैड तो इसे बोलते हैं रूथलेस ओके हाउ एवर इन इंडिया सी टर्टल्स हैव बीन गिवेन प्रोटेक्शन बाय इंक्लूडिंग दैम अंडर स्कीड्यूल ऑफ स्कड्यूल ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तो ये सारी चीज़ें बचाने के लिए टर्टल्स को सी टर्टल्स को बचाने के लिए एक एक्ट फॉलो किया गया जिसका नाम था उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक एक्ट बनाया गया शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ इनका इन्वेंशन हुआ ठीक है एक्ट 1972 प्रोटेक्शन कछुए को प्रोटेक्ट किया जाए कछुए को बचाओ बचाने के लिए ये उन लोगों ने क्या किया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया ठीक है इसका इन्वेंशन किया गया ठीक है दैट मीन्स टर्टल्स है as 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 इसका मतलब क्या था ये उनकी जो समिति थी इसका मतलब था एक्ट नाइनटीन सेवन इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू टू सेव द टर्टल्स वी हैव टू सेव टर्टल्स एज वी आर प्रोटेक्टिंग द टाइगर्स टाइगर्स भी एंडेज में है उनकी लाइफ भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है तो जैसे हम टाइगर्स को बचाते हमको टर्टल्स को भी वैसे बचाने उस बनाया गया ठीक है डेर फॉर ऑल दिस बिजनेस ऑफ गैदरिंग टोटल एक्स एंड किलिंग टर्टल्स इज कैरीड ऑन इन सीक्रेट हर्ष हर्ष मैनर इसीलिए जो भी टोटल्स के जो बिजनेस होते हैं उनको जो मार के जो बेचते हैं उनके अंडे बेचते हैं वो सारे क्या हो रहे थे धीरे धीरे सीक्रेट मैनर में वो लोग कर रहे थे छुपा के कर रहे थे कि उनको कोई देख लेगा तो उन पर केस हो सकता है वो लोग क्या कर रहे थे छुपा के धीरे धीरे कर रहे थे ओके दिस इन्फॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेसिंग ये इन्फॉर्मेशन बहुत डिस्ट्रेसिंग थी बहुत सैड थी बहुत बुरी थी ओके okay? अंदर ही अंदर हर्ट होना बहुत बुरा लग रहा था ओके वेरी डिस्ट्रेसिंग वी बिगेन टू थिंक सीरियसली हमने इस पर धीरे धीरे सोचना शुरू किया हमने सीरियसली सोचना शुरू किया अबाउट इट वी डिसाइडेड अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन प्रोटेक्शन मीन्स बचाना कंजर्वेशन मीन्स उसको आगे बढ़ाना ठीक है प्रोटेक्शन मीन्स बचाओ कंजर्वेशन मीन्स उसको आगे बढ़ाओ संभालो ओके okay? तो हमने ये सारी चीज़ें देखने के हमको तो मालूम पड़ा कि टोटल्स कैसे मारा जा रहा है उन पर बिजनेस किया जा रहा है सीक्रेट बिजनेस चालू है तो हमने क्या किया प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन को फॉलो किया ऑफ टर्टल्स एंड देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन अगेंस्ट द टर्टल टू सेव द टर्टल इन ओवरऑल द महाराष्ट्र ओके सो ये सारी चीज़ें थी अभी तक हम लोग टर्टल्स को बचाने के लिए कर दें ओके ना विल सी फर्दर व्हाट इज हैपेंड यार यू कैन सी ये देखो यहाँ पे आपको पूरा सैंड दिख रहा है पूरा सैंड है ये ये टोटल का बच्चा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो टोटल्स हमेशा अपने अंडे मिट्टी के अंदर देते हैं शोर के पास जहाँ पे उनका नेस्ट होता है वहाँ पे जाके अंडे देख रिटर्न आ जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं ताकि उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके तो जब बच्चे बड़े होते हैं जब अंडा फूटते हैं लोग ऐसे सैंड में से बाहर निकलते है ठीक है तो ये पिक्चर आप देख सकते हो तभी आगे देखते है आगे क्या हुआ वी हैड नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सी टोटल्स अभी हमने शुरू तो किया हमको हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द टर्टल्स इन ओवरऑल द महाराष्ट्र हमको महाराष्ट्र में इनको बचाना है टर्टल्स को बचाना है बट वी वर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट द सी टर्टल्स एंड देयर लाइफ हमको सी टर्टल्स और का कोई आइडिया नहीं था कि उनको हम लोग कैसे बचा सकते हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडर टूक स्टडी ऑफ टर्टल्स वॉट वी डिसाइडेड टू टेक अ स्टडी टू डू स्टडी ऑन द टर्टल टर्टल्स की लाइफ पहले हमने सोचा कि हम स्टडी करेंगे कि उनकी लाइफ कैसे रहती है उनकी जर्नी कैसी रहती है ओके वी कॉन्टेक्टेड इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया वॉट वी डिट वी कॉन्टेक्टेड टू द इंस्टीट्यूटेक्टिंग द टर्टल्स जो टर्टल्स के प्रोटेक्ट कर रहे थे वो इंस्टीट्यूट को हमने कॉन्टेक्ट किया उनसे हमने इंफॉर्मेश्स ली क्या करना है कैसे करना है ठीक है प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए ओके प्रोटेक्शन ऑफ टोटल्स आईन इट ओवर यर जो अंडरलाइन कर रही सारे द नेक्स्ट स्टेप द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग टोटल प्रोटेक्शन अभी दूसरा स्टेप क्या था अभी हमने इंस्टीट्यूट से बात कर लिया हमको टोटल को बचाने है. और नेक्स्ट स्टेप क्या था टू स्टार्ट द टोटल प्रोटेक्शन टोटल के प्रोटेक्शन हमको शुरू करना था ठीक है कॉम्पेन कैंपेन मीन्स एक कैम्प एक कैम्प शुरू करना एक समिति शुरू करना ठीक है कैंपेन एट वेलास कहाँ शुरू किया पहला टर्टल प्रोटेक्शन फर्स्ट टर्टल प्रोटेक्शन वे दे हैव स्टार्टेड दे हैव लॉन्च्ड एट द वेलास वी ई एल एस ओके वेलास तालुका किधर था ये मंदन मंदनगढ़ ओके okay? मंदनगढ़ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है रत्नागिरी तो so यहाँ पे वेलास तालुका मंडनगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में रत्नागिरी रत्नागिरी महाराष्ट्र में आता है यहाँ पे उन्होंने पहला टर्टल प्रोटेक्शन वॉलेंटियर्स ने शुरू किया टर्टल से बचाव के लिए प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए ओके दिस वाज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए हमको किसी ना किसी का सपोर्ट लगता है राइट सो टू स्टार्ट द टर्टल प्रोटेक्शन दे टुक द सपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो जंगल जा, जा, के अधिकारी थे उनका 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 सपोर्ट लिया ठीक है ताकि वो लोग आराम से वो टोटल प्रोटेक्शन कर पाए ठीक है कोऑपरेशन मीन्स सपोर्ट करना किसी चीज़ को आगे बढ़ाना को मिलजुल के काम करना ओके एज पार्ट ऑफ द campaign

मॉर्निंग में वो लोग जाके बीच की रक्षा करें कोई नेस्ट को नुकसान ना पहुंचा सका ठीक है पहले तो हमने अपॉइंटमेंट किया व्हेन दे केम अक्रॉस ए नेस्ट दे हैड टू केयरफुली रिमूव द एग्स फ्रॉम द नेस्ट एंड बरी देम अगेन इन अ सिमिलर पिट ओके हियर वी हैव द कॉमा सो आई स्टॉप देयर जब भी उनको मालूम पड़ा जब वो नेस्ट के पास गए उन्होंने क्या किया उन्होंने वहां से सारे अंडे निकाले एग्स निकाले टर्टल्स के एग्स निकाले और उसको क्या किया दे टू केयरफुली रिमूव द एग्स फ्रॉम द नेस्ट एंड बरी देम अगेन उसको वापस से हमने कहीं पे जाकर गाड़ दिया एक सिमिलर गड्ढा था वहां पे जाकर गाड़ दिया एक जगह से निकालकर जिससे हम लोग शिफ्टिंग करते हैं ये घर अच्छा नहीं यहां से वहां जाते हैं सेम चीज इन लोगों ने किया एक जगह से अंडे निकालकर दूसरी जगह गाड़ दिया सिमिलर गड्ढे में गाड़ दिया ओके सिमिलर पिट मीन होल ओके बट वन प्रोटेक्टेड विद वायर फेंसिंग लेकिन वो पिट कैसा था वहाँ पे वायर की फेंसिंग थी ताकि वहाँ पे कोई जाकर उनके अंडों को चुरा ना सके पहले क्या होता था वो लोग अंडे गड्ढे करके ये करके चुरा लेते थे बट अभी क्या जहाँ पे उन लोगों ने अंडे को रखा था जहाँ पे लोगों ने शैलो पिट में अंडे को डाला था वहां पे वो लोग ने क्या किया सब जगह फेंसिंग किया फेंसिंग एक तार होता है जिससे कि वहाँ पे कोई जा ना सके ठीक है तो कोई जाएगा उसको उसको चोट लग सकती है तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया वहाँ पे अंडे शिफ्ट कर दिए फेंसिंग यहाँ पे मैं दे हैव टू वॉच ओ ओ ओ ओ ओवर द प्रोटेक्टेड नेस टू प्रिवेंट थैप्स उन लोग को क्या करना था थीफ थेफ मीस चोर कि उनका जो ये भी है थीफ मीनस चोर थे चोरी तो उनका जो अंडे है वो चोरी ना हो जाए ये उनको नजर रखनी उन लोगों ने फेंसिंग तो किया ही था बट उन लोगों ने उनका काम ये भी था उन आदमी लोगों का काम ये भी था कि देखिए कि कोई उनका अंडा वो नटर्स के आए कोई चुरा के भाग ना सके ओके okay? इन द फर्स्ट ईयर अभी पहले साल वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट फिफ्टी ने हम लोगों ने फेंसिंग करके वॉलेंटियर्स को अपॉइंट करके चोरी ना हो सके हमने कितने एक्ट बचाए हमने वी प्रोटेक्टेड ऑलमोस्ट फिफ्टी ने पचास नेस्ट हमने बचाए टर्टल्स के ओके सी टर्टल्स के हमने पचास नेस्ट को बचा लिए मतलब बहुत से बच्चे उनके बच गए ओके इन दिस मानव वेन द बेबी इज हैच हैच मीन्स फुटना बर्स्ट आउट ओके मतलब जब हीट होता है तो बच्चे क्या होते हैं हीट की वजह से बाहर निकलते हैं अंडे में से ठीक है नेचुरल प्रोसेस है ये बर्स्ट द एग्स जब बच्चे बाहर निकलते हैं अंडे में से व्हाट एन इवेंट वो इवेंट इतना ब्यूटीफुल होता है इतना इतना अच्छा लगता है देखने में बस इधर मार्क के मतलब वाओ ओके द होल विलेज रस्ट सारा गांव भागा रस्ट मीस रन ओके okay? टू द बीच टू विटनेस विटनेस मीन्स देखने के लिए विटनेस बोलते हैं ना आई विटनेस देखने के लिए विटनेस स्पेक्टिकल ये जो चीज हो रही थी एक तरह का जो थी एक एक तरह का मैजिक था ये चीज देखने के लिए लोग भागे पूरा गांव वहाँ पे भागा उन लोगों ने कभी देखा नहीं था चीज़ तो क्या कि वहाँ पे रश किए भागे ओके वेन द टाइनी टोटल हैचलिंग्स हैचलिंग मीन्स उनके बच्चे टोटल के बच्चों को हैचलिंग्स बोलते ओके okay? किड्स में यहाँ पे लिख देती हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैचलिंग्स मीन उनके बच्चे हैचलिंग्स हरिड अक्रॉस द सिल्वर सैंड्स टू मीट द रोलिंग बाउंडलेस सी जब ये बच्चे भागते हैं सिल्वर सैंड को में से निकल के जब भागते हैं बच्चे एक साथ हैचलिंग्स जब एक साथ भागते हैं तो कहाँ जाते हैं बाउंडलेस सी सी तक चले जाते हैं ठीक है सी तक भाग के जाते हैं वॉट इन ओवेशन ओवेशन मीन्स क्लैपिंग किसी को अप्रिशिएट करना वो लोग जो जो लोग देख रहे थे वो लोग इतने खुश हो गए अप्रिशिएट किया लोगों ने बच्चों को कि इतने से बच्चे इतनी देर निकल ले कैसे भाग रहे ठीक है तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखती हूँ क्लैपिंग ओके अप्लॉज वॉट एन ओवेशन दे रिसीव्ड उनको जो क्लैपिंग मिली वो बच्चों को जो क्लैपिंग मिली जैसे वो अंडे में निकल के भागे टू सी दे गॉड सच एन ओवेशन सच सच्लॉज सच अ क्लैप दे रिसीव्ड फ्रॉम द ऑन लोग वहाँ पे देख रहे थे जो आई थे, उन लोगों ने क्या किया, उनके लिए किया था अंडे चुरा लेते लोगों लोगों नहीं मिलता अभी जब अंडे लोगों ने बचाना शुरू किया लोगों को नई नई चीज देखने में भी लोगों ने क्या किया टर्टल्स के लिए क्लैप किया ओके सम ऑफ द एल्डरली मीन एजेड बूढ़े बूढ़े लोग ठीक है एल्डरली विजर्स कन्फ्यज दैट दो दे सीन उन लोगों ने कन्फ्यूज किया ये कबूल किया ये बताया कन्फ्यूज मीन्स एक्सेप्ट करना कबूल करना ये कन्फ्यूज किया दैट दो दे है सीन एंड स्टोलन उन लोगों ने देखा भी होगा चोर चोरी करते हुए भी देखा रहेगा उन लोगों ने कचरे वैसे भी देखा रहेगा इसने चुराते हुए भी देखा रहेगा बट दे है गुड थिंग वॉट दे सॉ जस्ट नाउ वेन दे हैथलिंग्स वज टूअर्ड द सी ओके okay, ऐसा एक्सपीरियंस उन लोगों ने कभी नहीं देखा ऐसे एल्डरली लोगों ने बताया ठीक है टोटल एक्स राइड फ्रॉम देयर स्कूल डेज इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड सीन द हैचलिंग्स रशिंग टू द सी इन लोगों ने बहुत टर्टल देखे चोरी होते भी देखे एक्स को लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने देखा कि अंडे में से बच्चे निकल के हैचलिंग्स निकल के वो लोग सी की तरफ इस तरह भाग रहे थे कि वो उन लोग को क्या किया ऑन लुकर ने ओवेशन किया उनको करके उनको वेलकम किया खुशी जताई ठीक है ऐसा एल्डरली लोगों ने एजेड लोगों ने बताया सो योर आई लैंडर विद दिस 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 वॉज द फर्स्ट पार्ट इसमें हमने देखा कि फिफ्टी को प्रोटेक्ट किया गया बचा लिया गया पचास नेस्ट को सी टर्टल्स को ठीक है और उसके बाद उन लोग को ओवेशन मिला जब हम लोगों ने देखा अंडे में से बच्चे निकल के भागने लगे ऑल द दे विलेजेज एन ओवेशन एल्डर विजल ऑल्सो सो यर विल एंड विद द फर्स्ट पार्ट ना इन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू सी कि हमने और कौन कौन सी जगह हमने सी टर्टल्स के लिए प्रोटेक्शन हमने बनाया है और उनकी लाइफ को हम लोगों ने और कैसे बेटर बनाया दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट ओके सो जस्ट थैंक यू एवरी वन एंड जस्ट रीड दिस वन मोर टाइम थैंक यू